सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको टियर 3 इकाई था गिनती के बारे में बताएंगे कि गिनती क्या है। सर्वप्रथम तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हमें गिनती का आना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारे लिए गिनती बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिनती के द्वारा ही हम कम और ज़्यादा वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं कि कम वस्तु है तो उसको हम किस तरह से जान सकते हैं और अगर ज़्यादा वस्तु है तो हम किस तरह जान सकते हैं। ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें गिनती का ज्ञान होगा। अब गिनती जो है हिंदी में दो तरीके से होती है, एक शब्दों में और एक अंकों में। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हैं। अब इन चित्रों को हम किस तरह से जान सकते हैं कि ये कितने हैं। अब यहाँ पर मैंने मछली का जो चित्र बनाया है, इस आपको पता है कि मैंने एक चित्र बनाया है, लेकिन हमें यहाँ पर तो एक है तो मुझे पता है ये एक है, लेकिन इसके आगे मैंने और भी चित्र बनाए हैं, बहुत ज़्यादा हैं गिनती में। तो हम ये तभी जान सकते हैं जब हमें गिनती आएगी। तो सबसे पहला चित्र जो है वो एक है, तो यहाँ पर हम अब शब्दों में कैसे लिखेंगे, शब्दों में एक इस तरह से लिखेंगे, अंकों में हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे दो गेंदे बनी हुई है, तो हम एक और दो, हमने दो गेंदे गिनी, यहाँ पे हमने लिखा दो, एक दो तीन, पेंसिलें कितनी है तीन, एक दो तीन चार, संख्या में फूल कितने हैं हमारे चार। फिर है एक दो तीन चार पांच, आमों की संख्या कितनी है पांच। हमने कैसे जाना कि ये एक दो तीन चार पांच, हमने गिनती के द्वारा जाना है। हमें गिनती आती है तो हमने इन वस्तुओं को गिना है, उसके बाद हमने यहाँ पे शब्दों में और अंकों में गिनती लिखी है। अब आज के समय में कुछ अंकों जो है वो उनमें बदलाव किया गया है। अब जैसे एक ये है, पहले एक ऐसे लिखते थे, दो वैसे ही रहता था, तीन वैसे ही रहता था, चार ऐसे ही है, पांच में बदलाव किया गया है, पांच पांच अंकों में ऐसे लिखते थे, अब इस तरह से लिखने लगे हैं। इसी तरह से छः सात, अब आठ जो है वो इस तरह से लिखने लगे हैं, पहले आठ इस तरह से लिखते थे, नौ अब नौ हम इस तरह से लिखते हैं और पहले इस तरह से लिखते हैं। ये कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये है आपकी शब्दों में गिनती, ये है आपकी अंकों में गिनती। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हमें गिनती का आना बहुत जरूरी है, गिनती का जानना बहुत जरूरी है। हिंदी में जो गिनती होती है वो शब्दों में और अंकों में होती है। इंग्लिश में इसको हम नंबर कहते हैं, जो वर्ड में होते हैं ओ एन ई वर्ड, वो इंग्लिश वर्ड है, और उसमें जो वर्ड लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, टू ऐसे लिखते हैं, थ्री फोर फाइव, ये इंग्लिश के नंबर हैं जिनको हम नंबर्स कहते हैं, और ये हमारी हिंदी की गिनती है जो कि शब्दों में और अंकों में। तो यह है इकाई खा गिनती, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।